हेलो एवरीवन, मैं हूँ यादेश और यादेश कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के अंदर डेटा के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में हम जानेंगे डेटा के प्रकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेटा और डेटा के अंतर्गत हम जानेंगे यहाँ पर दिया हुआ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बारे में जानते हुए हमें डेटा के बारे में भी पता होनी चाहिए, ये दिए हुए हैं। कंप्यूटर में काम करते समय यह अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला हमारा जो डेटा होता है यह होता है टेस्ट डेटा और दूसरा होता है ट्रैफिक डेटा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कैरेक्टर या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिक या सिंबल दिए हुए हैं और यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया है जिसमें ग्राफिक डेटा के अंतर्गत इमेज को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेक्स्ट डेटा के बारे में। जब हम कीबोर्ड की मदद से कोई टाइप करते हैं, कोई कीवर्ड प्रेस करते हैं जिसमें हम अक्षर टाइप कर सकते हैं या नंबर हम टाइप कर सकते हैं, सिंबल देते हैं, उसको हम टेक्स्ट डेटा कहते हैं। बट वही चीज जो है कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज है, पिक्चर है, गेम है, इस तरह के जो है कि कार्य हम करते हैं तो वो सारी चीजें जो है ग्राफिक डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा पार्ट बना होता है जिसकी मदद से हम अपने कार्य अपने कंप्यूटर के अंदर कार्य लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।